हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये टॉपिक बहुत ही प्रैक्टिकल सा टॉपिक है। ये एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है कि नवम्बर 2016 में जो डीमोनेटाइजेशन किया गया बाई द प्रेजेंट गवर्नमेंट, तो ये मोनेटाइजेशन जो है, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ हमारी हमारी मार्केटिंग जो चीजें थी, जो हमारा एनवायरनमेंट था, उस चीज के ऊपर क्या इसका असर पड़ा, राइट? मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होती है और मार्केटिंग एनवायरनमेंट के ऊपर इस डीमोनेटाइजेशन का क्या असर पड़ा, ये हमारा टॉपिक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो, इसको पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। एंड स्टार्ट करने के पहले बोलना चाहूंगा कि नोट्स अवेलेबल हैं फॉर द एग्जामिनेशन, अपकमिंग एग्जामिनेशन। अगर आपको नोट्स चाहिए तो प्लीज आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं हमारे नंबर पे, जो कि है 8101065300। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिख जाएगा। माफी चाहूंगा जी। तो हमारा टॉपिक अब स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक चीज और बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है इसको दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है? चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहला पॉइंट है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे कहेंगे, ठीक है ना? तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इन जनरल अगर मैं आपको बात करूं कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट किसे बोलेंगे, यहाँ पे बात की जा रही है एक ऐसे एनवायरनमेंट की जहाँ पे मार्केटिंग हो रही है। एनवायरनमेंट का मतलब क्या हो गया? हमारे आसपास की जो भी चीजें हैं। और मार्केटिंग का मतलब हो गया प्रोडक्ट को सेल करने के पहले जो चीजें आप करते हो, जैसे कि रिसर्च करना, प्रोडक्ट के बारे में पता करना, लोगों को कैसा प्रोडक्ट पसंद है, फिर प्रोडक्ट को कस्टमाइज करना है, देन फिर उसको सेल करना। तो ये जो पूरा का पूरा एक मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो आप, ये जो होता है पूरा का पूरा ऑलरेडी एग्जिस्टेड होता है, आप कुछ कुछ चीजें उसमें इंक्लूड करते हो। तो ये जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, ये किस तरीके से काम करता है एंड इसका असर जो है, डीमोनेटाइजेशन का असर जो है इसके ऊपर कैसे पड़ा, ये हम बात करेंगे, ठीक है? चलिए फिर देख लेते हैं। सो मार्केटिंग एनवायरनमेंट रेफर्स टू द कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द बिजनेस ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट्स हर्डल्स इन मेंटेनिंग सक्सेसफुल बिजनेस विद द कस्टमर, ठीक है? तो क्या बोला गया कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट कहा जा रहा है अनकंट्रोलेबल और कंट्रोलेबल फैक्टर्स को, जो कि बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके काम करने के तरीके में। वो उनके लिए समटाइम परेशानियां क्रिएट करते हैं, समटाइम्स उनके लिए इजी भी बनाते हैं, लेकिन ये बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है? साथ ही ये हेल्प करते हैं आपको मेंटेनिंग सक्सेसफुल बिजनेस विद द कस्टमर। ये आपको इसलिए भी हेल्प करते हैं क्योंकि आप कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है अपने प्रोडक्ट को तैयार कर पाते हो, तो इससे कस्टमर जो है बहुत ज्यादा खुश होता है आपसे, राइट? तो ये जो हर्डल है इसको एक तरीके से दरकिनार किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। environmental factors affect the marketing condition of an organization, ठीक है? environmental factors affect करते हैं marketing conditions को, so companies have to take care of these factors before marketing any product, है ना? तो जो companies होते हैं उनको उन सारे factors के बारे में ध्यान देने की आवश्यकता होती है जब भी वो किसी नए product को उस market में launch करने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में आया और आपने उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको मार्केटिंग करनी है, आपको रिसर्च करना है, आपको पता करना है कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, कि आपके प्रोडक्ट आप अगर इस मार्केट में रिलीज करते हो, लॉन्च करते हो, तो क्या वो चलेगा। ये सारी जानकारी जो है आपको इकट्ठा तभी हो पाती है जब आप अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को ठीक तरीके से समझते हो, राइट? विदाउट एनालाइजिंग द मार्केट कंडीशन नो मार्केटिंग कैन बी सक्सेसफुल। तो बिना मार्केटिंग कंडीशन को समझे आप मार्केटिंग को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, right? Study of these factors helps you to analyze the market condition. अब ये जो factors हैं, जब आप इन सब के बारे में पढ़ोगे, तो definitely ये आपको help करेगा कि आप किस तरीके से अपने marketing decisions को लोगे, right? तो marketing decisions को लेने में ये आपकी बहुत ज़्यादा help करता है. Of any organization create marketing environment, right? So I hope कि आपकी ये marketing environment समझ में आ गया होगा. अब बात कर लेते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट इन इंडिया के बारे में, और इसी में हमारा वो टॉपिक भी इंक्लूड होगा जहां पे डीमोनेटाइजेशन की बात बोली गई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद ह्यूज पॉपुलेशन एंड डाइवर्स कल्चर वेयर वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस, रिलीजियंस, रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कस्टम्स प्रिवेल। ये एक तरीके से डेफिनेशन दिया गया कि इंडिया क्या है। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है ना, अगर समझना चाहो, जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग वास करते हैं, बहुत ज्यादा ह्यूज पॉपुलेशन है यहाँ पे, डाइवर्स कल्चर है, बहुत सारे कल्चर के लोग हैं, मुस्लिम्स, हिंदूज, क्रिश्चियंस, जैन्स, और बहुत सारी चीजें आपस में एक दूसरे की मिलती भी हैं, कुछ कुछ चीजें नहीं भी मिलती हैं। तो इन सारी चीजों के होने के कारण, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स होने के कारण जो है मार्केटिंग एनवायरनमेंट हमारे यहाँ का बहुत सारा डाइवर्स है, बट स्टिल दे आर ऑल इंटैक्ट। सभी लोग साथ में मिलकर के काम करते हैं और बिजनेस को आगे लेकर के जाते हैं।
दिस इज बोथ अ बून एंड अ बोन फॉर द मार्केटिंग मैनेजर्स. तो मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए ये बून भी है साथ ही साथ एक बेन भी है. बून मतलब क्या कहते हैं उसको, वरदान, और बेन मतलब अभिशाप. ठीक है, तो मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए एक तरीके से वरदान भी है लेकिन साथ ही साथ ये अभिशाप भी है, क्योंकि ज्यादा अगर यू नो ज्यादा अगर डाइवर्सिटी रहेगी तो आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने में दिक्कत होगी. पर अगर ज्यादा डाइवर्सिटी रहेगी और अगर आप लोगों को कन्विंस कर पाएगी आपका प्रोडक्ट सही है, हर एक तरह के कल्चर हर एक तरह के रिलीजन के लिए सही है, तो वो लोग आपके सामान को खरीदेंगे भी. राइट, तो यहाँ पे फायदे भी है नुकसान भी है. डाइवर्स कल्चर्स ऑफ द कंट्री ऑफन मेक इट डिफिकल्ट फॉर द मार्केटियर टू फॉर्मुलेट विद वाइड वैरायटी ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. But positive part is that there is a tremendous scope of different variety of products to be marketed successfully. एक वही बात यहाँ पे बोली जो मैंने बताया कि diverse culture होने के कारण यहाँ पे बहुत ज़्यादा marketing जो managers होते हैं उनको difficulty होती है अपने product को बेचने में. लेकिन at the same time उनके पास ये भी possibility होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा product को you know जो भी उनका target market है उसको ध्यान में रखकर वो ज़्यादा से ज़्यादा product को उस market में launch कर सके. ये भी उनके पास एक benefit है. इंडिया प्रोवाइड्स अ वास्ट मार्केट फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट. अभी ऐसा क्यों है, क्योंकि इंडिया में जैसा कि मैंने बताया डिफरेंट कल्चर डिफरेंट रीजन के लोग रहते हैं तो सबकी पसंद अलग अलग है. तो हमारे यहाँ पे जो मार्केट है वो बहुत ही वास्ट है. धीरे धीरे हालांकि यूनिफिकेशन हो रहा है, रिलायंस ट्रेंड्स एंड बहुत सारी यू नो मॉडर्न कपड़ों की दुकान आ रही है, तो लोग जो है एथनिक वेयर छोड़ करके यू नो जो मॉडर्न जो कपड़े हैं वो उसको पहनना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया. तो धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं जहाँ पे यूनिफिकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आने वाले समय में मुझे पता है कि इंडिया में यूनिफिकेशन हो जाएगा. हर एक चीज के लिए एक ही चीज होगी, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी लोगों को यू नो एडजस्ट करने में. पर धीरे धीरे ये चीजें हो जाएंगी, अभी हो रही है पर धीरे धीरे इट विल बिकम ए रियलिटी. ठीक है, although the major of majority of people are below poverty line but urban areas still still provides a vast market to the company. theek hai na, to jo agar majority ki baat kare to jo people hai unka jo rehan sahan hai wo below poverty line hai, wo garibi rekha se niche rehte hain, but still jo urban ilaka jo shahri ilaka hai wahan pe in products ko bechne ka bahut hi bada scope nazar aata hai. देर आर नेगेटिव पॉइंट्स टू. अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, एक एक करके बताते हैं. पब्लिक सेक्टर इज स्टिल बैकवर्ड स्लो एंड ब्यूरोक्रेटिक. जो पब्लिक सेक्टर है हमारा, ठीक है ना, जहाँ पे गवर्नमेंट का स्केल ज्यादा है वो स्टिल अभी भी बैकवर्ड है, और वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी है वो बहुत ज्यादा हावी है. नौकरशाह लोग हैं, लोग अपना अपना फायदा देखते हैं, लोग दूसरे के फायदे के बारे में नहीं सोचते हैं. देखो जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन होगा वहाँ पे लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे, लेकिन जब अपने फायदे के बारे में लोग सोचते हैं तो बाकी सबका भी फायदा होता है. लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होती है कि लोग बिजनेस किसी और का है लेकिन लोग सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, ना लोगों के बारे में सोच रहे हैं ना जिसका बिजनेस वो चला रहे हैं उसके बारे में सोच रहे हैं. तो ब्यूरोक्रेसी के कारण भी ये दिक्कत वहां पे देखने को मिलती है. प्राइवेट सेक्टर इज वास्ट एंड इनोवेटिव. हमारे यहाँ पे जो प्राइवेट सेक्टर है वो बहुत ही फास्ट है और बहुत ही इनोवेटिव है. आप देखोगे ना कि आपका जो बिजनेस करने का जो मॉडल है वो गवर्नमेंट सेक्टर का उतना अच्छा नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का अच्छा होता है. वो ज्यादा काम करते हैं, ज्यादा सैलरी देते हैं, तो ज्यादा डिजर्विंग होता है, उसको ज्यादा सैलरी भी मिलती है. सो एक तरह से डिफरेंस है प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में. तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ही फास्ट एंड इनोवेटिव है. मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क एंड इन कंट्री लाइक इंडिया फीचर्स लाइक रिलीजन लैंग्वेज कल्चर कस्टम्स एंड नॉर्म्स शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर सक्सेसफुल मार्केटिंग, है ना. और खासकर जब आप इंडिया में मार्केटिंग की बात कर रहे हैं तो इंडिया में जब भी आप मार्केटिंग की बात करेंगे तो आपको यहाँ के रिलीजन यहाँ की लैंग्वेज यानी भाषा कल्चर संस्कृति कस्टम जो रीति रिवाज है इन सब के बारे में आपको अपने दिमाग में रखना होगा, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर आपको अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ेगी मार्केटिंग की. राइट, पीपल हैव द फ्रीडम ऑफ प्रोफेस द रिलीजन कस्टम्स एंड लैंग्वेज ऑफ देयर ओन चॉइस. अब यहाँ पे लोगों के पास एक तरीके से फ्रीडम है कि वो अपने हिसाब से अपने रिलीजन को एक तरीके से प्रोफेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, मान सकते हैं, अपने कस्टम्स को मान सकते हैं. यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रोक टोक जो है नहीं है लोगों के ऊपर. इंडिया लिबरलाइज्ड इन 1991 एंड वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव टेकन प्लेस. तो आपको पता है कि 1991 में इंडिया का हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता था, हमारे पास ज्यादा करेंसी बचा नहीं था फॉरेन करेंसी की हम बाहर चीजों को इंपोर्ट कर पाते, और किसी भी कंट्री की तरक्की के लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो उस टाइम पे इंडिया ने लिबरलाइजेशन किया 1991 में, और यहाँ पे उसी की बात हुई है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने एलपीजी को अपनाया, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, जिसके कारण से इंडिया अभी इस मुकाम पे पहुंचा है कि हम दूसरे कंट्रीज के साथ टक्कर ले पा रहे हैं, और हमारी जो जीडीपी है वो अमंग द टॉप 5 कंट्रीज में आती है. इट हैज ब्रॉट मेनी चेंजेस इन द एनवायरनमेंट सिंस देन एंड दीज चेंजेस हैव अ ग्रेट इंपैक्ट ऑन द मार्केटिंग एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. तो वो जो चेंजेस उस टाइम पे आई थी उसका असर एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ा है, और उस चीज का असर जो है हमें अभी भी अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की तरफ नजर आता है. जब भी हम कुछ मार्केटिंग करते हैं तो उन जो भी चेंजेस उस टाइम पे आई थी उसके अकॉर्डिंग ही हमें करना होता है, मतलब उसका इन्फ्लुएंस जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करता है. न्यू पॉलिसीज हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड लाइक न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू ट्रेड पॉलिसी, फीमा हैज रिप्लेस्ड फेरा,
ETC which have a great impact on the businesses. तो यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताई गई जो कि धीरे धीरे करके चेंजेस हुई हैं 1991 के बाद से. सबसे पहला बात हो, नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई है, नई ट्रेड पॉलिसी आई है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की बात हो रही है. साथ ही साथ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट ने फेरा को, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट को एक तरीके से रिप्लेस किया. बहुत सारी चीजें नई जोड़ी गई फीमा में, जहाँ पे करेंसी को स्टोर करके रखना, जमा करके रखना काफी आसान हो गया है. दीज पॉलिसीज हैव हेल्प टू रिड्यूस इम्पोर्ट टैरिफ्स. अभी जो पॉलिसीज हैं यहाँ पे हेल्प बहुत ज्यादा हुआ है लोगों के, कि वो लोगों ने ट्रैफिक टैरिफ जो है, जो टैक्स है, उसके ऊपर एक तरीके से कम किया जा सका है. डी लाइसेंसिंग की गई है. उस टाइम पे लाइसेंस लेकर के आपको काम करना पड़ता था, बट अभी के टाइम पे आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है. जरूरत है बट आपको उस टाइम पे जो काफी ज्यादा मशक्कत करना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, वो अभी करने की आवश्यकता नहीं होती है. राइट, लिबरलाइजेशन हैज प्लेस्ड हेल्प टू एलिमिनेट द ऑब्स्टेकल्स इन इंडस्ट्रियल ग्रोथ. अब इसके कारण, लिबरलाइजेशन के कारण बहुत ज्यादा चीजें जो है हमारी सही हुई है. इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बहुत हद तक हेल्प जो है हमें मिला है. ठीक है, अब हम डीमोनेटाइजेशन की बात कर लेते हैं कि डीमोनेटाइजेशन का असर जो है हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर किस तरीके से पड़ा. तो सबसे पहले हम लोगों ने किया यहाँ पे मार्केटिंग एनवायरनमेंट, फिर इंडिया का जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी बहुत हिस्ट्री जानी. एग्जाम में आंसर भी इसी तरीके से लिखना है. अब हम हमारे दूसरे टॉपिक की तरफ आएंगे, जो की है 5,000 और 1,000 रुपए का जो नोट जो बैन हुआ था, डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसका क्या असर पड़ा. तो चलिए फिर देखते हैं. डीमोनेटाइजेशन इज नॉट अ बिग डिजास्टर लाइक ग्लोबल बैंकिंग सेक्टर क्राइसिस इन 2007, बट एट द सेम टाइम इट विल एक्ट एज अ लिक्विडिटी शॉक दैट डिस्टर्ब्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो डीमोनेटाइजेशन की अगर बात करें तो ये एक तरीके से इतना बड़ा डिजास्टर नहीं था जितना बड़ा कि 2007 में बैंकिंग सेक्टर में आया था, जहां पे बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कत हुई थी. और ये एक तरीके से शॉक क्रिएट करता है डीमोनेटाइजेशन. ठीक है ना, ये पूरी तरह से खराब, इसको बोलना गलत होगा, ये डिजास्टर नहीं रहा. बहुत हद तक जो ब्लैक मनी थी उसको रिकवर भी किया गया, बट स्टिल हम लोग इस मामले में उतने सफल नहीं हो पाए. बट गवर्नमेंट ने इस चीज के लिए कम से कम कोशिश की, एंड डीमोनेटाइजेशन में बहुत सारे लोगों की भी जान गई. वो हालांकि बहुत ही गलत हुआ, बट डीमोनेटाइजेशन का जो स्टेप है वो मेरे ख्याल से 50-50 है. ठीक है, बहुत हद तक लोगों को जो काला धन वापस भी आया है, और बहुत हद तक लोगों की काला धन बढ़ा भी है. कि बहुत सारे लोगों के पास, जिनके पास एक तरीके से तरीका था कि अब अपने पैसों को बाहर भेज सकें स्विफ्ट के माध्यम से, बहुत सारे लोगों ने अपने पैसों को ऑलरेडी बाहर भेज दिए. तो ज्यादा चांसेस कम ही थे कि हम बड़े लोगों से ब्लैक मनी निकलवा पाते, बट स्टिल जो भी आया आया भाई, चलो ठीक है. इसको बहुत सारे जो लोग हैं, जो इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसको एक तरीके से डिजास्टर भी मानते हैं, बट ये इतना बड़ा भी डिजास्टर नहीं था जो कि बैंकिंग सेक्टर में 2007 में आया था, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है. ठीक है, बट एट द सेम टाइम डीमोनेटाइजेशन ने लोगों को शॉक किया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज को शॉक किया, जिसके कारण से हमारा जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है उसको भी शॉक पहुंचा. ठीक है, तो चलिए अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीजें हुई. सबसे पहला हुआ लिक्विडिटी क्रंच. हमारे पास जो कैश था वो एक तरीके से कम्प्लीटली नल एंड वॉइड हो गया, क्योंकि उस कैश को फिर आपको बैंक में जाकर के चेंज करवाना पड़ रहा था. आई होप कि आपको याद होगा. राइट, तो वो एक तरीके से खत्म ही हो गया मान लो. सो लिक्विडिटी स्टॉक मींस पीपल आर नॉट एबल टू गेट सफिशिएंट वॉल्यूम ऑफ पॉपुलर डिनोमिनेशन स्पेशली लाइक 500. यहाँ पे जो 500 का डिनोमिनेशन था उसको बंद कर दिया गया, लीगल टेंडर की कैटेगरी से हटा दिया गया. दिस करेंसी यूनिट इज अ फेवरेबल डिनोमिनेशन इन डेली लाइफ. डेली लाइफ में 500 रुपए का बहुत महत्व है. आप अगर एटीएम में भी जाएंगे तो अभी के टाइम में सिर्फ 500 रुपए ही वहां से निकलते हैं. 100 रुपए का रिवाज तो शायद खत्म ही हो गया है. तो 100 रुपए आपको मार्केट में दिखेंगे या तो बैंक में दिखेंगे, आपको एटीएम में 100 रुपए बहुत ही कम दिखने के नजर आते हैं. इट कॉन्स्टिट्यूट्स अ नियरली 49% ऑफ प्रीवियस करेंसी सप्लाई इन टर्म्स ऑफ वैल्यू. है ना, तो ये एक तरीके से 49% था. अगर 100% हम सारे करेंसीज की बात करें तो उसमें से 50% जो है हिस्सा ये सिर्फ 500 रुपए का था. मतलब 500 रुपए का चलन सोचो उस टाइम पे कितना ज्यादा हुआ करता था. हायर द टाइम रिक्वायर्ड टू रीसप्लाई द 500 नोट्स, हायर विल बी द ड्यूरेशन ऑफ द लिक्विडिटी क्रंच. है ना, तो जितना टाइम आपको 500 नोट्स को मार्केट में सप्लाई करने में लगेगा, उतना ही लिक्विडिटी क्रंच जो है हमारे उसके ऊपर वो असर पड़ेगा. ठीक है, सो करंट रिपोर्ट्स इंडिकेट दैट ऑल सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कैन प्रिंट ओनली 2,000 मिलियन नोट्स इन 500 नोट्स बाय द एंड ऑफ दिस ईयर. ठीक है, थोड़ा सा पुराना इंफॉर्मेशन है यहाँ पे. 2000 नोट और 500 रुपए के नोट की बात की जा रही है कि साल के अंत तक जो है सारी चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, सारे लोग जो है इसका फायदा भी उठा पाएंगे. तो नियरली 1,600 मिलियन इतने सारे नोट जो है बनाए गए 500 नोट्स के इन सर्कुलेशन एज ऑन मार्च 2016. तो मार्च 2016 की बात हुई, उस टाइम पे तकरीबन 16,000 मिलियन समझ रहे हो नोट जो है 500 रुपए के बनाए गए थे. सम पोर्शन ऑफ दिस वेयर फिल्ड बाय द न्यू नोट्स ऑफ 2000 नोट. अब इसका जो कुछ पोर्शन था वहां पे कुछ पोर्शंस को फिल अप करने के लिए, कुछ जगह को भरने के लिए 2000 नोट्स को भी मार्केट में लॉन्च किया गया.
हालांकि अभी आपके पास 2000 रुपए का नोट नहीं होगा, बहुत ही कम लोगों के पास 2000 रुपए का नोट है, क्योंकि तो धीरे धीरे से करके मार्केटिंग मार्केट से जो है एक तरीके से 2000 के नोट्स को हटाया जा रहा है, ठीक है ना, इसको फिर जो है रिप्लेस कर दिया जाएगा भाई 500 नोट, और मे भी शायद बाद में 1000 रुपए का नोट भी लॉन्च हो जाए, इट डिपेंड्स ऑन फ्यूचर, बट स्टिल 2000 के नोट अभी आपको मार्केट में बहुत कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि धीरे धीरे करके ये सिर्फ जो है बैंकिंग सेक्टर में ही आपको दिखेगा, बैंक के पास ही दिखेगा। टुवर्ड द एंड ऑफ मार्च अप्रोक्सीमेटली 10,000 मिलियन नोट विल बी प्रिंटेड एंड रिप्लेस्ड, ठीक है, तो मार्च तक जो है 10,000 यूनिट जो है वो बना दिए जाएंगे उसको, और फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। ऑल दीज इंडिकेट दैट करेंसी क्रंच विल बी इन आवर इकोनॉमी फॉर द नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले 4 महीनों में जो है एक हमारे पास लिक्विडिटी क्रंच जो है वो रहेगा, है ना, शॉर्ट टर्म के लिए हमारे पास लिक्विडिटी की दिक्कत होगी हमें, और ये चीज हम लोगों ने झेली भी है, हालांकि ये बात बहुत पुरानी है, पर अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हम लोग को हुई थी। सबसे पहले क्या हुआ था, लिक्विडिटी क्रंच हुआ था जहां पे ये सारी चीजें जो है हुई है। दूसरा है वेलफेयर लॉस ऑफ द करेंसी यूजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, तो जो जिनके पास ये पैसे थे 500-1000 रुपए के पास, जिनके पास ये पैसे थे, जिन लोगों ने बैंक में रखने के बजाय घर पे रखे हुए थे बहुत ज्यादा ज्यादा अमाउंट, उनको क्या हुआ, उनका वेलफेयर लॉस हुआ। कैसे लॉस हुआ, अब उनके पास जो पैसे हैं वो तो नल एंड वॉइड हो गए हैं, अब आपको पैसे चेंज कराने के लिए बैंक जाना पड़ेगा। अब बैंक में ऐसा भी नहीं कि आप 1 लाख रुपए लेकर के गए और आपका 1 लाख रुपए जो है चेंज हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, एक लिमिटेड था अमाउंट था, सर्टेन अमाउंट था जो कि आप चेंज करवा सकते थे, राइट, तो ये एक तरीके से लॉस हुआ उस टाइम पे पॉपुलेशन का, उस पॉपुलेशन का जिसके पास 500 और 1000 रुपए के नोट ज्यादा करके पड़े हुए थे। मोस्ट एक्टिव सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हु कॉन्स्टिट्यूट द बेस ऑफ द पिरामिड यूजेस करेंसी टू मेक देयर ट्रांजेक्शन, है ना, तो हमारा जो सबसे बड़ा सेगमेंट है यंग लोगों का, या फिर जो हमारा सेगमेंट है, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसको एक तरह से मीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अगर पैसे नहीं होंगे तो ट्रांजेक्शन नहीं होंगे, और ट्रांजेक्शन नहीं होंगे तो बिजनेस कैसे चलेगा, राइट, किसी भी कंट्री को आगे बढ़ाने के लिए बिजनेस का चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। द डेली वेज अर्नर्स, जो लोग डेली पैसे कमाते हैं, या जो लोग डेली वर्कर्स हैं, जो डेली डेली ट्रेडर्स हैं, उनके पास पैसों की बहुत ज्यादा उनको दिक्कत होगी, क्योंकि 500-1000 रुपए के नोट जो है अचानक से मार्केट से हटा लिए गए। Who reside out of the formal economy uses cash frequently. These sections will lose income in the absence of liquid cash. अभी जो सेक्शन था इन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई लिक्विड कैश के कारण, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए छोटे छोटे, और उनको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई। कैश स्ट्रिंजेंसी विल सॉरी कैश स्ट्रिंजेंसी विल कंपेल फर्म्स टू रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड दस रिड्यूसेस इनकम टू द पुअर एंड वर्किंग क्लास। अब यहाँ भी क्या हुआ कि उस टाइम पे जो कैश स्ट्रिंजेंसी, जो कैश का जो इशू हुआ था, उसके कारण से जो जो लेबर फोर्स था उसके कॉस्ट में बहुत ज्यादा कमी आ गई, क्योंकि लोगों को पता है कि पैसे नहीं है तो लोग कम काम प्राइस में भी लोग उस काम को करने लगे, तो उसके कारण से जो हमारा वर्किंग क्लास था वो पुअर ही रहा कुछ टाइम के लिए। बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई, बहुत सारे लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं था, फिर बाद में डिमोनेटाइजेशन के बाद कुछ महीनों बाद, फिर कुछ सालों बाद जो है ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया, तो जो गरीब लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो जो वर्किंग क्लास है उनको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है झेलनी पड़ी, ठीक है। नाउ देयर विल बी अ ट्रिकल अप ऑफ लिक्विडिटी कैओस टू द हायर इनकम विद टाइम, तो धीरे धीरे करके चीजें जो है ठीक हो जाएंगी, सभी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, वगैरह वगैरह वगैरह। Loss of growth momentum, India risks its position of being the fastest growing largest economy. Reduced consumption, income, investment, etc. may reduce India's GDP growth as the liquidity itself impact itself last 3-4 months. जो बात बोलेंगे यहाँ पे वही है कि इंडिया उस टाइम पे जो है GDP growth इंडिया का बहुत अच्छा था, तकरीबन 8% 7% के हिसाब से हम जो है grow कर रहे थे, बट जैसे ही डिमोनेटाइजेशन हुआ इंडिया का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो अचानक से घट गया, क्योंकि उसका असर जो है हमारे कंजम्पशन के ऊपर पड़ा। पैसे थे नहीं तो कंजम्पशन कहाँ से करेंगे, पैसे ज्यादा होंगे तो ज्यादा खर्च होंगे ना, तो पैसे नहीं है, इनकम नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो उस केस में हमारा जो जीडीपी है वो भी एक तरीके से उसके ऊपर असर पड़ा, जिसका असर जो है तकरीबन 3 से 4 महीनों तक रहा, ठीक है। आखिरी पैराग्राफ है इम्पैक्ट, ओके, इम्पैक्ट ऑन द बैंक डिपॉजिटेड इंटरेस्ट रेट, इम्पैक्ट ऑन द पॉइंट डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट, जो पैसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे थे उसके इंटरेस्ट रेट के ऊपर क्या असर पड़ा। सो डिपॉजिट इन द शॉर्ट टर्म में राइज बट लॉन्ग टर्म इट्स अफेक्ट विल कम डाउन, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो जो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, बट लॉन्ग टर्म की अगर बात की जाए तो इसका असर जो है उतना ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा। द सेविंग्स विद द बैंक आर एक्चुअली लिक्विडिटी लिक्विड कैश पीपल स्टोर्ड, तो जो सेविंग्स बैंक में पैसे होते हैं वो एक तरीके से लिक्विड कैश होता है जो कि लोग जो है जमा करके रखते हैं और जिसका इस्तेमाल जो है वो लोग डेली लाइफ में करते हैं, कभी भी कुछ खर्चा करना रहा एटीएम में गया पैसे निकाला और खर्च कर दिया, राइट, तो ये एक तरीके से इस्तेमाल होता है।
It is difficult to assume that such ready cash once stored in their hands will be put into savings for a long term. तो ऐसा भी हुआ कि बहुत सारे लोगों ने अपने अच्छे खासे पैसे, क्योंकि उनका लीगल टेंडर खत्म कर दिया गया था, बहुत सारे लोगों ने लाख रुपए, 2 लाख रुपए जो भी उनके घर से निकला उन लोगों ने बैंक में जमा कर दिया। तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये लिमिटेशन भी लगा दिया कि आप एक दिन में इससे ज्यादा पैसे नहीं निकाल सकते। तो आपके लाख रुपए अगर आपने रखे तो आप 10,000 रुपए से ज्यादा निकाल ही नहीं सकते, तो आपके बाकी सारे पैसे वहीं फंसे हुए हैं, तो आपको दिक्कत होगी। वही बात यहाँ से बोली जा रही है कि जो बैंक डिपॉजिट्स है, इंटरेस्ट रेट्स है, उसके ऊपर इसका असर पड़ा और लोगों को हालांकि काफी ज्यादा दिक्कत का सामना इनको करना पड़ा। दे सेव दिस मनी इनटू बैंक अकाउंट जस्ट टू कन्वर्ट द ओल्ड नोट्स इनटू न्यू नोट्स। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि नए नोट्स को पाने के लिए सिर्फ बैंक में पैसे जमा कराते हैं, क्योंकि जब उनको बैंक से पैसा मिलता है तो उनको नए नए नोटों की गड्डियां मिलती हैं। दिस आर नॉट वॉलंटरी सेविंग एम टू गेट इंटरेस्ट। अब यहाँ पे लोगों के पास ये एम नहीं है कि अगर हम सेविंग्स करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, राइट? उनके पास ये एम रहता है बस उनका, कि उनका जो सामान है, जो उनका कैश है, वो बैंक के पास सुरक्षित रहेगा और हमें नए नोट बाद में मिलेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट भी मिलता है बट उसका कोई खास असर इंडियंस के ऊपर नहीं पड़ता, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट के बारे में सोचेंगे, पैसे के बारे में सोचेंगे, तो हम कभी सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसे रखेंगे ही नहीं। हम पैसे लगा देंगे शेयर्स मार्केट में, हम पैसे लगा देंगे बॉन्ड खरीदने में, हम पैसे लगा देंगे ज्वेलरी खरीदने में, हम पैसे लगा देंगे लैंड खरीदने में। बट यहाँ पे लोग क्या करते हैं, लोग अपने पैसे को सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हैं। इससे याद आया मुझे, अगर किसी को भी ऑनलाइन डीमैट अकाउंट खोलना हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजल ब्रोकिंग, जिनका टाई अप हमारे साथ है। आप फ्री में अकाउंट खोल सकते हैं, साथ ही साथ वहां पे आपको बहुत सारी टिप्स एंड गाइड्स भी मिलेगी, जिसका कोई अलग से आपको खर्च नहीं देना पड़ेगा। आपको बस अकाउंट ओपन करना है और कुछ पैसे वहां पे डालने हैं, अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर कुछ शेयर्स अगर आपको खरीद करके रखना है। जब भी खरीदोगे, अच्छे शेयर खरीदोगे, कुछ भी अगर आपको जानकारी इस बारे में चाहिए जो मैंने अभी आपको बताई है, तो आप मुझे कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, चलो थोड़ा प्रमोशन हो गया, अब आगे चलते हैं। इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एक्टिव लिक्विडिटी बट द सीवियर व्हेन फुल फ्लेज्ड न्यू करेंसी सप्लाई टेक प्लेस, है ना? तो इसको जो है कन्वर्ट करने की बात की जा रही है कि लिक्विडिटी को कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब फुल फ्लेज में करेंसी जो है सप्लाई एक तरीके से चल रहा होता है। दिस मीन्स दैट न्यू सेविंग्स विद द बैंक्स इज ओनली ट्रांजिटरी और शॉर्ट टर्म डिपॉजिट। तो अभी के टाइम पे जो नए डिपॉजिट्स होने हैं वो एक तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए हैं और ट्रांजिटरी है, सिर्फ पैसे ट्रांजिट करने के लिए एक तरीके से उसका इस्तेमाल हो रहा है। इट मे बी इन कैश बाय द सेवर्स एट द एप्रोप्रिएट टाइम। अब जो पैसे हम जमा करते हैं बैंक में, सेविंग बैंक में, वो एक तरीके से सही बात तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, क्योंकि पैसे हमें जरूरत पड़ी हमने एटीएम से जाकर के निकाल लिया, या कहीं हमें खर्च करना था तो हमने क्यूआर कोड स्कैन करके खर्च कर दिया, वो पेमेंट भी बैंक से हुआ। आप समझ रहे हो? तो इस तरह की चीजें जो हमें देखने को मिलती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट डीमोनेटाइजेशन विल प्रोड्यूस बिग सेविंग्स इन द बैंकिंग सिस्टम इन द मीडियम टर्म, है ना? तो ये नेसेसरी नहीं है कि डीमोनेटाइजेशन का असर जो है वो इस तरह से पड़ेगा कि बैंकिंग सिस्टम में पैसे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। ऐसा सच में होता है कि हुआ भी था कि इंडियन करेंसी, इंडियन गवर्नमेंट के पास, आरबीआई के पास पैसे बहुत ज्यादा हो गए थे, क्योंकि सारे लोग अपने पैसे, घर के पैसे जो है बैंक में जमा करा रहे थे, है ना? तो इससे बैंकिंग सेक्टर को फायदा होता है, बैंकिंग के पास पैसे ज्यादा होते हैं तो फिर वो लोग जो है पैसों को इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसका फायदा हमें अल्टीमेटली इंटरेस्ट के रूप में मिलता है, राइट? तो ये एक चीजें उस टाइम पे जो हुई थी तो उसका असर पड़ा था। मोस्ट ऑफ द सेविंग्स आर ऑब्टेन्ड बाय बिगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स लाइक SBI, है ना? तो ज्यादातर जो सेविंग्स है वो किया जाता है, एक तरीके से ऑब्टेन किया जाता है बाय द बिगेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक व्हिच इज SBI। दे मे रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इन शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म बट दे कांट अलाउ फॉर इट द लॉन्ग रन। जो इंटरेस्ट रेट्स होते हैं वो उसको भले कम कर दें। अब देखो, पैसे अगर ज्यादा रहेंगे आपके बैंक अकाउंट में तो आपको बैंक को पैसा भी आपको ज्यादा देना पड़ेगा इंटरेस्ट के लिए, इंटरेस्ट के तौर पे, राइट? तो पैसे तो गवर्नमेंट, तो बैंक क्या करेगी, अपने रेट को रिड्यूस कर देगी ताकि उनको जो है आपको ज्यादा पैसे ना देने पड़े, ठीक है ना? तो वो ऐसा कम कर सकती है शॉर्ट टर्म के लिए, मीडियम टर्म के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म के लिए होगा तो सारा का सारा पैसा बैंक में रखा हुआ है। अब बैंक में अगर रखा हुआ बिजनेस नहीं हो रहा है तो आपकी कंट्री का ग्रोथ नहीं होगा। ग्रोथ होने के लिए पैसों का लेन देन होना, बिजनेस ट्रांजेक्शन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा, जहां पे मैंने आपको इस टॉपिक के बारे में समझाया। काफी कॉमन क्वेश्चन है, हो सकता है आपसे पूछे एग्जाम में, तो इसको अच्छे से आई होप कि आपने सुन लिया होगा। नहीं सुना है तो वापस से सुन लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियो से नोटिफिकेशन मिलते रहे। और हाँ, जिनको नोट्स परचेस करना है, नोट्स खरीदना चाहते हैं, वो हमसे बात कर सकते हैं। फोन नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, अपना ख्याल रखो, बाय बाय, थैंक यू।